हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन। तो तो आज आज हम हम अपना अपना नया नया वीडियो वीडियो बना बना रहे रहे हैं हैं सर, सर, सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस ऑफ ऑफ हेलोगेरिथम्स हेलोगेरिथम्स एंड एंड हेलोइंस हेलोइंस की की जो जो एक्सरसाइज एक्सरसाइज हम हम डिस्कस डिस्कस कर कर रहे रहे थे। थे। तो तो इसके इसके फर्स्ट फर्स्ट वीडियो वीडियो में में हमने हमने डिस्कस डिस्कस किया किया था था क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर टेन टेन पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री तक। तक। आज आज हम हम डिस्कस डिस्कस करने करने जा जा रहे रहे हैं हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर टेन टेन पॉइंट पॉइंट फोर फोर एंड एंड ऑनवर्ड। ऑनवर्ड। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर टेन टेन पॉइंट पॉइंट फोर फोर में में क्या क्या है है कि कि विच विच वन वन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग फॉलोइंग हैज हैज द द हाईएस्ट हाईएस्ट डाइपोल डाइपोल मोमेंट। मोमेंट। डाइपोल डाइपोल मोमेंट मोमेंट को को हम हम म्यू म्यू से से रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करते करते हैं। हैं। ये ये क्या क्या है? है? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी है। है। ठीक ठीक है, है, ये ये हमारी हमारी वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी है। है। और और जो जो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड है है इनके इनके बीच बीच में में हमें हमें कंपेयर कंपेयर कर कर कंपैरिजन कंपैरिजन करना करना है है बेसिकली। बेसिकली। तो तो फर्स्ट फर्स्ट जो जो है है हमारा हमारा सी सी एच एच टू टू सी सी एल एल टू, टू, इसको इसको हम हम बना बना लेते लेते हैं। हैं। जो जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हमारा वो वो सी सी एच एच सी सी एल एल थ्री थ्री क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, सी एच सी सी एल एल थ्री। थ्री। एंड एंड जो जो लास्ट लास्ट है है दैट दैट इज इज सी 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 एल एल फोर। फोर। अगर अगर हम हम सी 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 एल एल फोर फोर की की बात बात करें करें तो तो हर हर इसकी इसकी जो जो सी 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 एल एल बॉन्ड बॉन्ड है है वो वो सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है, है, चारों चारों एक एक ही ही बॉन्ड बॉन्ड है, है, एक एक ही ही तरह तरह के। के। तो तो इसकी इसकी तो तो म्यू म्यू की की वैल्यू वैल्यू जीरो जीरो होती होती है। है। आपको आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे से से पता पता है है केमिकल केमिकल बॉन्डिंग बॉन्डिंग से से यहाँ यहाँ इसको इसको पढ़ते पढ़ते आ आ रहे रहे हैं। हैं। तो तो इसकी इसकी तो तो हम हम बात बात ही ही नहीं नहीं कर कर रहे रहे कि कि इसकी इसकी म्यू म्यू की की वैल्यू वैल्यू जीरो जीरो है। है। इसकी इसकी म्यू म्यू की की वैल्यू वैल्यू क्या क्या है? है? जीरो जीरो है। है। बेसिकली बेसिकली हमें हमें कंपेयर कंपेयर करना करना होगा होगा सी सी एच एच टू टू एंड एंड सी सी एच एच टू टू सी सी एल एल टू टू एंड एंड सी सी एच एच टू टू सी सी एल एल टू टू एंड एंड सी सी एच एच टू सी टू एल सी टू एल एंड टू सी एंड एच सी टू एच सी टू एल सी टू एल दैट दैट इज इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। और और इसकी इसकी जो जो एरो एरो होती होती है है फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव पॉजिटिव टू टू फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव पॉजिटिव टू टू नेगेटिव नेगेटिव की की तरफ तरफ जाती जाती है, है, ठीक ठीक ना? ना? तो तो इसको इसको हम हम अगर अगर यहाँ यहाँ पर पर देखें देखें तो तो एक एक कार्बन कार्बन मोर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव है है एंड एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेस लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव है है देन देन कार्बन। कार्बन। तो तो यहाँ यहाँ पर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या क्या होगा? होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा आएगा और और यहाँ यहाँ पर पर नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब मतलब इसमें इसमें जो जो होगा होगा ये ये फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोजन हाइड्रोजन टू टू क्लोरीन क्लोरीन की की तरफ तरफ एरो एरो आएगी। आएगी। सिमिलरली सिमिलरली इस इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के के लिए लिए भी भी क्लोरीन क्लोरीन की की तरफ तरफ क्या क्या जाएगा? जाएगा? एरो एरो जाएगा। जाएगा। और और जब जब हम हम सीसीएल सीसीएल की की बात बात करें, करें, हम हम जब जब सीसीएल सीसीएल की की बात बात करेंगे करेंगे तो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑफ क्लोरीन क्लोरीन इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑफ कार्बन। कार्बन। तो तो इस इस बार बार जो जो होगा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव कौन कौन होगा? होगा? कार्बन कार्बन होगा होगा और और क्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। होगा। और और इस इस बार बार जो जो एरो एरो होगा होगा वो वो इस इस तरफ तरफ से से होगा। होगा। सिमिलरली सिमिलरली इसमें इसमें इधर इधर की की तरफ तरफ होगा। होगा। ठीक। ठीक। अब अब अगर अगर इनकी इनकी बात बात करें करें तो तो सिंस सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑफ क्लोरीन क्लोरीन इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन कार्बन कार्बन तो तो एरो एरो इस इस तरह तरह से से होगा, होगा, इसमें इसमें इस इस तरह तरह से से होगा, होगा, इन इन दिस दिस केस केस दिस। दिस। और और इस इस केस केस में में जो जो होगा होगा वो वो कार्बन कार्बन की की तरफ तरफ होगा। होगा। ठीक ठीक है। है। अब अब हमें हमें क्या क्या करना करना होता होता है? है? हमें हमें करना करना होता होता है है म्यू म्यू नेट नेट निकालना निकालना होता होता है है कि कि म्यू म्यू नेट नेट क्या क्या होगा होगा इन इन दिस दिस केस केस एंड एंड म्यू म्यू नेट नेट व्हाट व्हाट विल विल बी बी इन इन दिस दिस केस। केस। अगर अगर हम हम इसकी इसकी बात बात करें, करें, इस इस कार्बन कार्बन को को जो जो हम हम एक एक सेंटर सेंटर ले ले लेते लेते हैं, हैं, इधर इधर से से भी भी जितने जितने भी भी हैं हैं बॉन्ड बॉन्ड इसी इसी तरफ तरफ आ आ रहे रहे हैं। हैं। ठीक ठीक है। है। इस इस साइड साइड से से इसी इसी की की तरफ तरफ जा जा रहे रहे हैं। हैं। फर्दर फर्दर सी सी एल एल इधर इधर आ आ रहा रहा है है एंड एंड सी सी एल एल जो जो है है इधर इधर की की तरफ तरफ आ आ रहे रहे हैं। हैं। तो तो जो जो म्यू म्यू नेट नेट होगा होगा वो वो कुछ कुछ इस इस साइड साइड होगा। होगा। अगर अगर हम हम इसको इसको म्यू म्यू नेट नेट बोलें, बोलें, अगर अगर हम हम इसको इसको रिजॉल्व रिजॉल्व करेंगे करेंगे रिजल्टेंट रिजल्टेंट निकालेंगे निकालेंगे तो तो म्यू म्यू नेट नेट जो जो होगा होगा वो वो कुछ कुछ इस इस तरह तरह से से आएगा। आएगा। मतलब मतलब इन इन सबकी सबकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, अगर अगर हम हम इनको इनको म्यू म्यू वन वन मान मान लें लें तो तो म्यू म्यू नेट नेट क्या क्या होगा? होगा? म्यू म्यू वन वन प्लस प्लस म्यू म्यू टू टू प्लस प्लस म्यू म्यू थ्री थ्री प्लस प्लस म्यू म्यू फोर, फोर, इनका इनका बेसिकली बेसिकली रिजल्टेंट रिजल्टेंट होगा। होगा। म्यू म्यू वन वन म्यू म्यू टू टू म्यू म्यू थ्री थ्री एंड एंड म्यू म्यू फोर। फोर।
लेकिन अब इन इस केस में तो इस पॉइंट पर जो है इस कार्बन को अगर हम लें तो एक क्लोरीन जो इधर की तरफ जा रहा है और एक जो इधर की तरफ जा रहा है ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये इधर की है, एक मिनट मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा हो गया, इन दिस केस क्या है, ये ऑक्साइड जा रहा है ड्यू टू दिस क्लोरीन एंड ड्यू टू दिस क्लोरीन ये डाउन साइड जा रहा है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फर्दर बचे कौन, एक ये बचा और एक ये बचा, तो जो एक ये वाला है इधर की तरफ और एक ये है इधर की तरफ हम पॉजिटिव को हाइड्रोजन, मतलब म्यू नेट इसकी जो होगी जो इसकी म्यू नेट होगी वो डेफिनेटली लेस देन इसके होगी। इसका मतलब पहले इसको मैं हटा देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि म्यू नेट ऑफ CH2Cl2 इज ग्रेटर देन CHCl3 एंड सबसे कम किसका है CCl4 का, दैट इज जीरो। जब म्यू नेट, जब आप डाइपोल मोमेंट म्यू का कंपैरिजन करेंगे डाइपोल मोमेंट म्यू ऑफ फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन सेकेंड विल बी ग्रेटर देन थर्ड, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 10.4 की। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है 10.5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.5 पे अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है इसकी जो हम रिएक्शन डार्क सनलाइट में कराते हैं इसकी जो हम रिएक्शन डार्क में कराते हैं डार्क सनलाइट मतलब डार्क लाइट में तो ये नो रिएक्शन होती है। वेयर एज इसी हाइड्रोकार्बन की अगर रिएक्शन हम अगर ब्राइट सनलाइट में कराते हैं HCl2 तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है C5H9Cl बनता है और ये हाइड्रोकार्बन क्या है C5H10। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो C5H10 की स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक, ये तो थी हमारी क्वेश्चन, हमें हमें पूछा क्या गया। अब C5H10 का अगर हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें DBE या फिर आप इसे डिग्री ऑफ ऑन सिचुएशन भी बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2NC+2-NH डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसकी डिग्री ऑफ ऑन सैचुरेशन निकालें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप कर लें तो डीबी निकलेगा, वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 5 10 क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 5 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 10 है डिवाइडेड बाय 2
ये कितना आया 1। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो क्या है 1 है। अब ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या तो डबल बॉन्ड की वजह से हो सकता है या फिर एक साइक्लिक कंपाउंड की वजह से हो सकता है। अगर हम इस डबल बॉन्ड को मान लीजिए एज्यूम करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CH, ठीक है। अगर हम इस डबल बॉन्ड को एज्यूम करते हैं या फिर किसी भी डबल बॉन्ड को एज्यूम करते हैं तो जब भी क्लोरीन से रिएक्ट करेगा ये Cl2 तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन 1 होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन 2 होगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम टाइप के हाइड्रोजन नहीं है। ये बीटा हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, इसमें मतलब 3-4 तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे। जबकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ये मोनोक्लोर कंपाउंड नहीं बनाता है, मतलब ओपन स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, डबल बॉन्ड तो नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास एक ऑप्शन आता है C5 एक साइक्लोपेंटेन की, एक होता है साइक्लोब्यूटाइल की जिसमें CH3 हो, एंड दूसरा होता है तीसरा कुछ इस तरह से। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन तो सेम है बट यहाँ पर जो CH3 है यहाँ पर CH3 है वो अलग अलग है। और अगर जब भी हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो आपको मैंने बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि जितने भी टाइप के हाइड्रोजन होंगे वहां वहां जाके Cl के लगने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, मतलब ये भी नहीं होगा। एंड सिमिलरली यहाँ के हाइड्रोजन एंड यहाँ के हाइड्रोजन भी डिफरेंट है, यहाँ का हाइड्रोजन क्या है 1 डिग्री है और यहाँ का हाइड्रोजन क्या 2 डिग्री है, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों को भी हटा देते हैं हम, बचा कौन साइक्लोपेंटेन। अब अगर साइक्लोपेंटेन की बात करें तो आप किसी भी हाइड्रोजन को देख लें सब कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं, सही क्या है 2 डिग्री है। जितने भी हाइड्रोजन है इसमें सब क्या है 2 डिग्री है। और इसकी रिएक्शन आप अगर ब्राइट सनलाइट में कराते हैं Cl2 तो ये आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट देगा क्योंकि इसमें एक ही तरह का हाइड्रोजन है। अब आप इस क्लोरीन को यहाँ पर लगा दें या यहाँ पर लगा दें, रोटेट करेंगे तो सेम यही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो क्या होगा हमारा आंसर होगा साइक्लोपेंटेन। बनाना है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हम CH2Br ले लेते हैं, एक ये कार्बन हो गया है, 2, 3, 4, 5 एक ये हो सकता है। फर्दर अगर हम देखें ये 5 कार्बन तो हो गए, लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन लगा दें तो ये डिफरेंट होगा, ये कौन दूसरा बना। अगर हम तीसरे बात की रहे पॉसिबिलिटी की, एक यहाँ पर ब्रोमीन लगा दें तो डिफरेंट बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं हम, एक मिनट, इसमें C4 है जी, ये C4 है ना, अब हम 1, 2, 3, 4, 5 रह गया से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब चेंज हो जाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, किसके लिए आइसोमर्स के लिए, ठीक है। तो हम एक स्ट्रक्चर जो है 1, 2, 3, 4 हो गया, एक बार यहाँ पर हाइड्रोजन लगाए हम, दूसरी बार आप यहाँ पर लगा दें तो भी आप जब नेमिंग करेंगे तो ये क्या होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा,
और ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा, ठीक है। फर्दर आप फिर जब यहां पर लगाएंगे ब्रोमीन, लेट से आप अगर यहां ब्रोमीन लगाते हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल ही सेम होंगे, देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि आप जब भी इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो ये वाली मॉलिक्यूल हमारी बन जाएगी, मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हम एक बार काउंट करने के बाद दोबारा उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक ये बना और एक ये बना। अब फर्दर क्या हो सकता है, फर्दर ये हो सकता है कि यहां पर CH2 भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो भी ये होगा, आप जब भी नेमिंग करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट नेमिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4 फिर गड़बड़ हुआ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, एक दो तीन चार है ना, तो यहाँ पर आप सी एस टू बी आर लिख लें, ठीक है। आप जब इसमें करेंगे तो 1, 2, 3 इसका क्या आएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसकी नेमिंग डिफरेंट आएगी। अब जो लास्ट ऑप्शन हमारा बन सकता है वो क्या होगा, वो हो सकता है कि हमारा जो हैलाइड हो 3 डिग्री बन जाए, मतलब ये भी सी एस थ्री हो, ये भी सी एस थ्री हो, ये भी सी एस थ्री हो एंड ये बीआर हो, तो भी जो हमारा फॉर्मूला गिवेन है सी फोर, क्योंकि 3 कार्बन तो ये हो गए, 1 कार्बन ये हो गया सी फोर एच नाइन बीआर, ये तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवेन है, यहाँ पे सी फोर एच नाइन बीआर गिवेन है, इसी को तो हमें क्या करना है, इसके आइसोमर्स को बेसिकली हमें बना, पॉसिबल जो आइसोमर्स हैं उनको बनाना है, तो जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो कुछ इस तरह से, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, व्हाट विल बी आवर आंसर एट द आइसोमर्स, आइसोमर प्रोडक्ट बनाने थे तो ये बन गए, और नंबर अगर पूछा गया था कितने नंबर बन सकते थे तो दैट विल बी 4, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10.6। अब 10.7 का अगर हम देखें तो राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 iodobutane फ्रॉम 1 butanol, नेक्स्ट 1 chlorobutane एंड but 1-ene, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है, इनसे स्टार्टिंग करनी है और हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, और रिएजेंट हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी रिएजेंट यूज करनी होगी, ठीक है। आइए फर्स्ट देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट 1 butanol है, तो 1 butanol हम बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 butanol, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, क्वेश्चन मार्क, कि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो होगा 1 iodobutane, इसकी भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये 1 iodobutane हो जाए। तो अगर हम इसकी रिएक्शन HI से करा दें, HI क्या एक एसिड है, HI से जब कराएंगे तो H प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो है प्रोटोनेट होगा, यहां प्लस चल जाएगा, ये फर्दर निकल जाएगा और ये आई माइनस जो होगा वो यहां पर अटैक कर देगा, कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पर 1 डिग्री है ना, अगर ये 3 डिग्री होता तो इसकी रेट ज्यादा होती, यहां पर 1 डिग्री है सिर्फ ये, तो इसीलिए यहां पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2, और यहां पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH2I, मतलब अगर हम इसकी रिएक्शन HI से करा दें तो हमें 1 iodobutane मिल जाएगा फ्रॉम 1 butanol, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 chlorobutane,
ये हो गया वन क्लोरोब्यूटेन। अब इसकी हमें प्रोडक्ट बनानी है वन एडोब्यूटेन में। तो आप अगर देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है। फर्स्ट टाइम था क्या क्लोरीन, एंड आफ्टर रिएक्शन आयोडीन हो गया। तो हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज के लिए आपको एक रिएक्शन नेम रिएक्शन पढ़ाया था मैं, अगर आपको याद हो तो। कौन सी रिएक्शन थी? एक स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ाया था और एक फिंगलेस्टन रिएक्शन। जब भी आप इसकी रिएक्शन CH2Cl किसी भी RX की रिएक्शन आप जब सोडियम आयोडाइड से होगी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट एसीटोन, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। सिंगलेस्टन रिएक्शन नेम रिएक्शन बताया था मैं आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Cl की जगह I आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा डिजायर प्रोडक्ट जो हमें बनाना होता है। एंड जो लास्ट वन है दैट इज ब्यूट वन ईन, इससे हमें एडोब्यूटेन बनाना है। तो ठीक है ये देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या स्टार्ट करना, ब्यूट वन इन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूट वन इन हम बना देते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है टू गेट आवर प्रोडक्ट CH3 CH2 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 एंड आई। ठीक है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन एच आई से करा दें, जब आप इससे एच आई से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा। एक तो आप इसको अगर तो ये मार्कोनी को एडिशन देगा, एडिशन होगा और कौन सी होगी, मार्कोनी को एडिशन, क्योंकि यहाँ कोई परोक्साइड है नहीं। और ऑल्दो परोक्साइड होता भी परोक्साइड तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि परोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से प्रोडक्ट बनाए अगर डायरेक्ट HI से एडिशन कराकर तो हमें क्या मिलेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे वहीं पर हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे आयोडीन, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमें नहीं चाहिए। ये इसका आइसोमर बन जाएगा, तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो क्यों ना हम इसको डिजायर प्रोडक्ट बनाने के लिए फर्स्टली HBr से रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनी परोक्साइड। अगर आप परोक्साइड से रिएक्शन करा दें HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड एंटी मार्कोनी को एडिशन होगा, तो जहां पे हाइड्रोजन एटम लेस होंगे वहीं पर हाइड्रोजन लगेगा एंड दूसरे साइड ब्रोमीन लगेगा। तो यहां पर हमारा आ गया CH2Br। ठीक है, आप फर्दर इसका अब आप फिंगलेस्टन रिएक्शन करा दें, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो जब आप एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन और आयोडीन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहां पर CH2I बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई प्रिपरेशन दिया जाए, बेसिकली हम इन्हें कन्वर्जन का नाम देते हैं कि एक कंपाउंड देके आपको दूसरे कंपाउंड में कन्वर्जन कराया जाता है। ठीक है, इस तरह के जितने भी होते हैं क्वेश्चंस, उसमें आप ही को सोचना होता है कि इसमें कौन सी रिएजेंट की यूज कराई जाए। ठीक है, अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, इसमें भी हमें इथेन टू ब्रोमोइथेन लेना है एंड फर्दर आगे अभी और इनकी सब डिस्कशन हम करेंगे। फर्स्टली पहले इसको हम इरेज टू करें। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको डिस्कस करते हैं, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स
एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, हमें डिफाइन करना है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आर सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, मैं लिख देता हूं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर थ्रू टू डिफरेंट साइट्स, टू डिफरेंट साइट्स। और ये डिफरेंट साइट्स क्या होंगे, उसी न्यूक्लियोफाइल के दो डिफरेंट साइट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब आपको एग्जाम्पल्स ऑफ एसएन रिएक्शन बताया था तो उसमें मैंने आपको दो रिएक्शंस की बातें की थी। एक थी जब हम किसी भी हेलोएल्केन की रिएक्शन एनएसीएन से करा रहे थे, तो उस समय जो न्यूक्लियोफाइल था हमारा सीएन ही था, बशर्ते इस जो उस टाइम था जब एनएसीएन के केस में जो डोनर एटम होता है वो होता है कार्बन। ठीक है, तो अब कार्बन डोनर होता है तो कार्बन ही इसे जाके ऐड होता है तो आरसीएन बनता है, दैट इज साइनाइड। बट इन केस ऑफ आरएक्स, अगेन आरएक्स की ही रिएक्शन हो रही है बट एजीसीएन से, सिल्वर साइनाइड। इन दिस केस आपको बताया था मैंने कि न्यूक्लियोफाइल जो होती है डोनर एटम होता है नाइट्रोजन, तो ये आरएनसी बनाता है। आइसोसाइनाइड। अब खुद देखिए, यहां पर भी सीएन न्यूक्लियोफाइल है, यहां भी सीएन न्यूक्लियोफाइल है। फर्क क्या है, यहां पर डोनर एटम कार्बन है एंड यहां पर डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये जो है एक ही टाइम पर दो डिफरेंट साइट्स जो है डोनेट कर रहे हैं, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जो होते तो एक ही है बट डिफरेंट कंडीशंस में वो डिफरेंट डिफरेंट साइट से वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें, डेफिनेशन तो मैं लिखा चुका, तो आप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सीएन होता है एंड NO2 होता है, और भी होते हैं बट अभी हमारे काम का बस यही दोनों है। एक बार मैंने आपको दिखाया कि ये सीएन में साइनाइड बनता है और आइसोसाइनाइड बनता है। सिमिलरली इन केस ऑफ NO2, एक बार ओ डोनर होता है एक बार जो डोनर एटम होता है ओ होता है एंड एक बार जो होता है वो एन होता है, तो नाइट्रेट बनता है एंड दिस ONO ऐड होता है। ये दोनों ही एग्जांपल्स हैं किसके, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के। मैं दोनों डिस्कस कर लूँ, कहीं भी कोई आपको क्वेश्चन में अगर किसी और सॉल्यूशन पे आप देखें बुक सॉल्यूशन में, तो आपको सीएन भी मिल सकता है और NO2 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। अब बात करते हैं 10.9 की, कि विच कंपाउंड इन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, बेसिकली हमें रेट का कंपैरिजन करना है जो दोनों पेयर्स गिवेन है। फर्स्ट देखते हैं कि CH3Br है एंड CH3I है, न्यूक्लियोफाइल हमारा सेम है वो है OH-, दोनों का एक ही न्यूक्लियोफाइल से हम रिएक्शन करा रहे हैं।
अब यहाँ पर जब हम रेट कंपैरिजन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी, तो मैंने आपको बताया था कि जो लीविंग ग्रुप एबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है इन केस ऑफ हैलोजन्स। आई माइनस ब्रोमीन फिर क्लोरीन होता है एंड देन फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है एवलिन एंड सिंस और कोई डिफरेंस तो है नहीं क्योंकि सबस्ट्रेट भी सेम है, न्यूक्लियोफाइल भी सेम है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमें क्या करना होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी आंसर करना होगा। तो सिंस इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे बेहतर होती है तो इसकी रेट ज्यादा होगी, तो ये जो मिथाइल एवोडाइड है इसकी रिएक्शन फास्टर होगी एज कंपेयर टू मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें भी हमारा न्यूक्लियोफाइल सेम है दैट इज हाइड्रोक्साइड है, तो इसको मैं इरेज नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब गैसीयस थ्री होल साइज है, ठीक है, ठीक है, CH3 होल साइज है एंड इसी से Cl है, बेसिकली क्या है 3 डिग्री कार्बन है और फिर है CH3Cl। अब इन दिस केस देखिए, इन दिस केस क्या है, न्यूक्लियोफाइल सेम है, लिविंग ग्रुप भी सेम है, फर्क है सबस्ट्रेट का, ठीक है। तो अब इन दिस केस जो हम रेट का कंपैरिजन करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में मैंने आपको बताया था कि जब 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन ज्यादा होगी 2 डिग्री फिर 1 डिग्री एंड देन CH3X इन केस ऑफ SN1 और SN2 के केस में यही जो ऑर्डर होता है रिवर्स हो जाता है, बताया था ना ये SN2 के केस में होता है सिंस ये 3 डिग्री है और ये सबसे कम इसमें क्या है क्राउडिंग है, स्टेरिक हेंड्रेंस है, सबसे कम भीड़ है यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर के आराम से अटैक कर पाएगा, तो रेट किसकी ज्यादा होगी, डेफिनेटली इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर यही SN1 की अगर हम बात कर रहे हो तो इसकी रेट ज्यादा होगी, बट ये हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम SN2 का कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10.9, आई एफ 10.10 देखते हैं, ये हो गया। अब ये देखते हैं, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्मड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। फर्स्ट क्या, 1-bromo-1-methylcyclohexane बना लेते हैं हम, 1-bromo और क्या है एक 1-bromo-1-methyl है, ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा देते हैं और साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन जो एल्कीन बनेंगे उनको प्रेडिक्ट करना है जितने भी पॉसिबल है, दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हम एलिमिनेशन रिएक्शन को बोलते हैं, जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड आयन, जैसे एलिमिनेशन ऑफ हैलाइड, ठीक है। बेसिकली इसका हमें क्या करना है, एलिमिनेशन कराना है। अब जो है एलिमिनेशन के दौरान आपको बताया था कि बीटा कार्बन पर ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन, इस जिस पे लगा है उसको हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए फिर से मैं सुना देता हूँ, ये है हमारा क्या 1-bromo-1-methylcyclohexane, ठीक है।
इसकी रिएक्शन हमें सोडियम इथॉक्साइड से कराना है, और प्रोडक्ट जो होगी हमारी किसकी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब सोडियम इथॉक्साइड हम देखते हैं C2H5ONA होता है सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ दैट वुड बी डिहाइड्रोहाइड्रेशन ऑफ क्लोरीन हैलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, मतलब C2H5OH ठीक है, एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब एलिमिनेशन होता है। अब इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, जब मैं एलिमिनेशन आपको बताया था कि जब भी CH3CHX हो, और मान लीजिए ये CH3 हो ठीक है, तो ये जब X निकलेगा तो ये बगल वाले अल्फा कार्बन जो होंगे उनके साथ एक हाइड्रोजन लेकर जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ठीक है। ये जो है कार्बन इस वाले हाइड्रोजन से ले सकता है, इधर से ले सकता है या इधर से ले सकता है। तो मान लेते हैं कि एक बार जो ये एलिमिनेशन हुआ इसकी ब्रोमीन यहां से गई और यहां से एक हाइड्रोजन गया और डबल बॉन्ड CH2 हमारा फॉर्म हुआ। ठीक है, और सेकेंड क्या बन सकता है, सेकेंड बन सकता है कि यहां पर जब कार्बोकैटायन बने इसके एलिमिनेशन से, मान लीजिए इसकी एलिमिनेशन हो गई, ये हमारा निकल गया, जब ये हमारा निकल गया तो यहां पर क्या कार्बोकैटायन बना, जब कार्बोकैटायन बना तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस वाले हाइड्रोजन से निकला तो डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और या तो इस हाइड्रोजन से निकले या फिर यहाँ का हाइड्रोजन निकले तो ये CH3 तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, और इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन से निकल रहे हैं तो इन दोनों बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब आप मुझे बताएं ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, अब इन दोनों प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट हमें डिसाइड करना है ठीक है, आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। अब मेजर एल्कीन हम किस बेसिस पर करेंगे, हम अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, इसे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ये दोनों क्या है अल्फा कार्बन है, इस पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये और ये टोटल चार हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, चार होंगे। अब इस कार्बन के लिए हम बात करें, इस डबल बॉन्ड के लिए, तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो दो दो चार तो होंगे ही, प्लस ये तीन और होंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, सेवन होंगे। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, आप इसे सेटजैक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, और ये है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट ठीक है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर, इसकी फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन। हमारे सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है कि 2-क्लोरो-2-मिथाइल-ब्यूटेन ठीक है, ब्यूटेन बना लिया हमने, 2 पर क्लोरो भी है और मिथाइल भी है। अब हमें इसकी सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराकर इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH एलिमिनेशन कराना है, एलिमिनेशन कराना है, ये सी नहीं होगा, कौन है ये, हाँ ये क्लोरो है, दिस इज Cl नॉट क्लोरीन, इसको इरेज कर देता हूँ, ये खिचड़ी होगा ठीक है। तो अब हमें एलिमिनेशन कराना है, एलिमिनेशन कराते टाइम यहां से हम कहां कहां से हाइड्रोजन ले सकते हैं, एक इससे ले सकते हैं, एक इस कार्बन से ले सकते हैं, एंड एक इस कार्बन से ले सकते हैं, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल होगा, नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही CH3 हैं, इस साइड भी CH3 और ये इस साइड भी CH3, मतलब एग्जैक्टली हमें दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इसको ऐसा लग रहा होगा कि तीनों साइड से निकाल सकता है, बट ये दोनों निकालेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेंगे ना,
मैं अभी बना के वो दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकला सीएल के साथ, तो डबल बॉन्ड इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, यहाँ पर होगा सी एस थ्री, ठीक है प्लस। अब हम यहाँ से मान लेते हैं निकालते हैं, तो यहाँ से सी एल गया और यहाँ से हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा डबल बॉन्ड सी एस टू प्लस। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से भी निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एस टू बनेगा और यहाँ पर सी एस थ्री बनेगा। आप मुझे बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आएंगे, मतलब ये क्या है आइडेंटिकल है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट हमें बनेंगे। अब इन दोनों में हमें मेजर फाइंड आउट करना है, तो आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लें, इसमें तीन है यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है और तीन ही यहाँ पर भी है। इस डबल बॉन्ड से लगे हुए जितने भी कार्बन होंगे सब अल्फा कार्बन होंगे, एंड उनसे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की कितनी है नंबरिंग, नाइन, एंड इन दिस केस ये सी एस थ्री अल्फा हाइड्रोजन होगा अल्फा कार्बन, और यहाँ पर जो कार्बन होंगे वो भी होंगे, ठीक है। तो तीन यहाँ पर है दो यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे पांच। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है इसकी, और ये मोस्ट स्टेबल एल्किन है भी, ये हमारा क्या है सेट जेफ प्रोडक्ट है, यही हमारा क्या है मेजर है, और ये हमारा माइनर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, तो आगे चलते हैं। आइए देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट है वो है 2.2.3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेंटेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। 2.2.3 मतलब यहाँ पर हम सी एस थ्री लगा दें, यहाँ पर सी एस थ्री लगा दें, यहाँ पर सी एस थ्री और यहाँ पर ब्रोमीन, यही तो है। आप नंबरिंग करके देख लें, नंबरिंग रेस करेंगे तो 1 2 2.2 एंड 3 पर भी है तो 2.2.3 ट्राइमिथाइल ब्रोमो आएगा, ब्रोमो पेंटेन। अब इसकी हमें एलिमिनेशन करानी है, ठीक है, C2H5O-Na+ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। अब एलिमिनेशन कराने के लिए जो इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन तो होना चाहिए, क्योंकि यहां से ब्रोमीन निकलेगा और वहां से हाइड्रोजन, दोनों मिलके HBr बना लेंगे। सिंस इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, जीरो है, तो इधर एलिमिनेशन नहीं हो सकता। एलिमिनेशन या तो इस साइड होगा क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, और इधर होगा क्योंकि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब दो प्रोडक्ट हमें क्या होंगे ऑप्टेन होंगे। यहाँ पर हमने सी एस थ्री एडिटिव रखा क्योंकि इधर से एलिमिनेशन हो नहीं सकता, हमने एक बार एलिमिनेशन यहाँ से कराया इस वाले हाइड्रोजन से, तो डबल बॉन्ड सी एस टू बना प्लस, यहाँ पर सी एस थ्री एंड यहाँ पर सी एस थ्री, और इस बार जो है हम इन दोनों के बीच में डबल बनाएंगे, यहाँ से हम एलिमिनेशन कराते हैं इस हाइड्रोजन की, तो वहां से गया और यहाँ पर क्या बना सी एस थ्री। अब आप स्टेबिलिटी देख लें ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और ये वाला कार्बन, सिंस यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है सिर्फ यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे दो, एंड इन दिस केस अल्फा कार्बन देखे थे एक ये अल्फा कार्बन है जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, एक ये है इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है और एक ये भी है ये सी एस थ्री है, इसके पास भी तीन है मतलब छह अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी इसकी, तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिस क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन जो थे सभी एलिमिनेशन के, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
10.11 how will you bring about the following convergence convergence basis question. ठीक है आइए देखते हैं. तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट कन्वर्जन क्या है. फर्स्ट ये है कि इथेनॉल टू हमें ब्यूट वन आइन जाना है. हमें इथेनॉल से स्टार्टिंग करनी है दैट इज C2H5OH और फाइनली हमें क्या ऑब्टेन करना है दैट इज ब्यूट वन आइन. एक दो तीन चार ब्यूट वन आइन हमें C2H5 दैट इज CH3CH2OH से हमें ब्यूट वन आइन बनाना है. इस तरह के जितने भी होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं कन्वर्जेंस होते हैं. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कराते हैं कि C2H5OH जो है इस पर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देते हैं HBr से. जब हम HBr से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा ब्रोमीन ऐड हो जाएगा. और H2 हमारा निकल जाएगा. अब फर्दर जो ऑब्टेंड है C2H5Br जो है इथाइल ब्रोमाइड इसकी रिएक्शन हम CH111CNA से करा लेंगे. ठीक है सोडियम यहाँ पे Na प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा. जब भी आपको अगर कोई हैलोजन रिएक्शन हो तो आप इस तरह की रिएक्शन करा सकते हैं. तो अब ये क्या होगा NaBr यहाँ से निकल जाएगा दैट इज CH3CH2Br है प्लस CH111C माइनस Na प्लस NaBr यहाँ से क्या हुआ एलिमिनेट हो जाएगा. और ये सी माइनस जब यहां से ये ब्रोमीन निकलेगा तो इस पर प्लस चढ़ जाएगा और ये माइनस है प्लस माइनस मिलकर क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे. तो आफ्टर बॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2C CH. आप देख लीजिए 1 2 3 4 वन ब्यूट आइन है ये. ठीक है तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया. तो हमें दो रिएजेंट्स यूज करने होंगे एक HBr से हम सब्स्टिट्यूशन कराएं एंड आफ्टर दैट हम रिएक्शन कराएं किससे इस ट्रिपल बॉन्ड से आयन और Na प्लस कंपाउंड से. ठीक है ये हो गई हमारी फर्स्ट कन्वर्जन. आइए सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है फ्रॉम इथेन टू ब्रोमो इथीन हमें क्या करना है C2 इथेन है ना. हाँ इथेन है तो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा C2H6 हमें इससे स्टार्टिंग करनी है और हमें क्या फॉर्म करना है ब्रोमो इथीन CH2 डबल बॉन्ड CHBr इसी को तो हम ब्रोमो इथीन बोलते हैं. मतलब हमें क्या कराना है ब्रोमो इथीन एक डबल बॉन्ड भी लाना है और ये हमारा क्या है CH3 है एंड CH3 है. अब हमें ये रिएक्शन करानी है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं हम इसमें अगर Cl2H3 अगर रिएक्शन कराए और 2 मोल से कराए ठीक है तो हमारा क्या बनेगा CH2 CH2 Cl एंड Cl रेसिनल डाइहैलाइड बनेगा. अब इस रेसिनल डाइहैलाइड का अगर हम एलिमिनेशन करा दें मान लीजिए हम उसी करा देते हैं CH2O-Na+ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH ठीक है तो जो एलिमिनेशन होगी CH2 CCH2 Cl एंड Cl की ये वाली Cl जो होगी इस वाले हाइड्रोजन को लेकर के निकलेगी
इसके एक हाइड्रोजन को, और ये वाली सीएल जो होगी इसके एक हाइड्रोजन को लेकर निकलेगी। कुल मिला जुला के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक जब जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा और अगेन एक जाएगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हमें क्या मिलेगा, इथाइन मिलेगा। और अगर इस इथाइन का हम HBr से रिएक्शन करा लें, ठीक है, HBr से हम एडिशन रिएक्शन जब कराएंगे तो एक साइड जाके हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरे साइड क्या जाके ऐड होगा, Br, तो CH2CH एंड Br, ये हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट इथीन ब्रोमाइड, ठीक है। और यही हमें ऑब्टेन करना था, कहाँ गया, ब्रोमो इथीन, यही है हमारा ब्रोमो इथीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ब्रोमो इथीन का। अब नेक्स्ट कन्वर्जन हम देखते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है हमारा, थर्ड, फ्रॉम प्रोपीन टू वन नाइट्रो प्रोपेन। हमें क्या करना है, फ्रॉम प्रोपीन टू वन नाइट्रो प्रोपेन, प्रोपीन से स्टार्ट करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा प्रोपीन। और इससे हमें क्या फॉर्म करना है, नाइट्रो प्रोपेन, बेसिकली हमें NO2 ग्रुप ऐड करना है और इस डबल बॉन्ड को हटाना है, CH3 CH2 CH2 एंड NO2, दिस इज नाइट्रो प्रोपेन। अब इसको हम कैसे करा सकते हैं, आइए देखते हैं कि इनिशियली हमें क्या है, प्रोपीन गिवन है, अगर हम इसकी रिएक्शन HBr से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, जब परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तो CH3CH यहां पर हाइड्रोजन सबसे कम होंगे, वहीं पर जाकर हाइड्रोजन लगेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन लगेगा और यहां पर हमारा ब्रोमीन लगेगा। कुल मिला जुला प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH2 Br। अब ये हमें हेलो एल्केन मिल गया, अगर हम इसकी रिएक्शन NaNO2 से करा दें या फिर Ag सिल्वर नाइट्रेट से करा दें, मान लीजिए हम इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से या फिर सोडियम नल के हम कहां कह रहे जाते हैं AgNO2 ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, यहां पर जो है AgBr निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड और NO2 हमारा आके लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, नाइट्रो प्रोपेन, ये हमें बनाना था वन नाइट्रो प्रोपेन। अब देखते हैं आगे फर्दर, जो नेक्स्ट है वो है टोल्यूम टू बेंजाइल एल्कोहल। अब बात करते हैं हम टोल्यूम किसको बोलते हैं, टोल्यूम हम बोलते हैं कि अगर बेंजीन रिंग में एक CH3 ग्रुप हो तो इसे हम टोल्यूम बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इस टोल्यूम को हम बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल एल्कोहल मतलब CH2OH, ठीक है। तो इसका बड़ा ही इजी सा प्रोसेस है, आप Cl2H2 से रिएक्शन करा दे, एलाइलिक क्लोरीनेशन होगा, जो CH3 है उसमें से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, क्लोरीन से, ठीक है ना। और आप फर्दर एक्वस NaOH से इसका रिएक्शन करा दे,
आप एक्वस एनओएच ले सकते हैं या फिर कोई भी ओएच माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है, H2O भी ले सकते थे। तो जब ओएच माइनस CO क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो यहाँ पर क्या होगा CH2OH, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो टॉल्यून से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl से बाय रिएक्शन ऑफ Cl2H2, ठीक है, एलाइलिक क्लोरीनेशन इसको बोलते हैं। और एक्वस NOH से रिएक्शन करा के एक्वस NOH बेसिकली बेस लिए हैं OH माइनस के लिए, OH माइनस के लिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl को, और हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पर टू गेट CH2OH, ठीक है। तो ये हो गया टॉल्यून टू बेंजील बेंजाइल अल्कोहल। अब हमें क्या करना है, प्रोपीन टू प्रोपाइन करना है। आइए देखते हैं प्रोपीन टू प्रोपाइन कैसे होगा। अब हमें प्रोपीन को प्रोपाइन में करना है। प्रोपीन मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपाइन होता है हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेसिकली हमें एक बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो इस तरह का जब भी कन्वर्जन हो तो आप एक काम करें Br2 और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लें, दैट इज CCl4। जब आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे तो इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या होगा, सिर्फ ब्रोमीन होगा। अब जब आप HBr का एडिशन कराते थे तो H भी होता था और Br भी होता था, तो H और Br दोनों के एडिशन होती थी, बट इन दिस केस सिर्फ ब्रोमीन है। सिर्फ ब्रोमीन है तो एडिशन किसकी होगी, सिर्फ ब्रोमीन की होगी। इसका मतलब जो दोनों ही साइड्स होंगे CH3CH जो एडिशन होगा दोनों पर ही ब्रोमीन का ही एडिशन होगा, ठीक है। अब इसके पास फर्दर आप एलिमिनेशन करा दें। अभी मैंने आपको एक इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था कि एलिमिनेशन आप करा सकते हैं अगर दोनों एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजन्स हैं, इनका एलिमिनेशन कराने पर, कंप्लीट एलिमिनेशन पर, दोनों का एलिमिनेशन कराने पर हमें अल्काइन मिलेगा। मान लीजिए हम कोई बल्क बेस ले लेते CH-K+ OH, ठीक है, ये Br इसके हाइड्रोजन को लेके एलिमिनेट होगा और ये Br इसके हाइड्रोजन को लेके एलिमिनेट होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। तो जब एक ब्रोमीन जाएगा तो एक बॉन्ड लेगा, एक पहले से था तो डबल हो जाएगा, एंड जो दूसरा ब्रोमीन जाएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमें प्रोपाइन बन जाएगा, ठीक है। आइए अब फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, नेक्स्ट कन्वर्जन है सिक्स्थ नंबर, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल C2H5OH, और इसको हम इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है, दैट इज C2H5F। जैसे कि OH जो है फ्लोरीन से हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमें पता है कि डायरेक्ट फ्लोरीन को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम इसे HBr का रिएक्शन करा दें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, C2H5Br बन जाएगा। आप HCl का भी करा सकते थे, ठीक है, C2H5Br बन जाएगा, और इसका जब आप स्वार्ट रिएक्शन करा देंगे किसी भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कंटेनिंग ग्रुप से, लाइक आप Hg2F2 ले सकते हैं या फिर AgF ले सकते हैं, ये कौन सी रिएक्शन होगी, नियम रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में स्वार्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था, स्वार्ट रिएक्शन। अब इसमें क्या हैलोजन एक्सचेंज जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो C2H5 इथाइल ब्रोमाइड हमारा फॉर्म होगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को, ऐसा नहीं ना मैं बोले जा रहा हूँ और आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में मेरा पढ़ाना बर्बाद हो जाएगा सब, ऐसा ना हो, ठीक ना।
चलिए फर्दर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन का मतलब CH3Br। और इसकी समायोजन हमें करनी है किसमें? प्रोपेनॉन में। अब हमें इसका प्रोपेनॉन का मतलब होता है क्या? प्रोपेनॉन का मतलब होता है कीटोन, CH3COCH3, जिसको हम कॉमन नेम एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इसका कन्वर्जन बेसिकली करना है। तो अभी अभी एक रिएक्शन मैंने कराया था कन्वर्जन में ही, जिसमें हमने एक अल्काइन ग्रुप और सोडियम का सॉल्ट लिया था। इस बार हम क्या करते हैं, अगेन ये दिखा नहीं रहा है, अच्छा नहीं लगा। ये लेते हैं, तो हम CH CC- Na+ प्लस से रिएक्शन करा देते हैं। ये क्या बनेगा? मैं CH3, ये C- Br जब निकलेगा तो ये प्लस बनेगा, तो CH3 C, और इससे क्या होगा, CH3 आके लग जाएगा। तो CH3 हमने ऐड कर दिया और ये हो गया हमारा अल्काइन। ठीक है, अब अगर हम इसके रिएक्शन फर्दर किसे कर दें, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह क्या होगा, ये भी एक तरह एडिशन रिएक्शन होगा। और OH जो होगा इस कार्बन का आके ऐड होगा और हाइड्रोजन इस पर, तो ये CH3COH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। फर्दर इसका हम क्या कर देंगे, टॉटोमर बना देंगे। टॉटोमर आप जानते हैं, इसका हम क्या करेंगे, टॉटोमर। ये क्लास 11th आइसोमेरिज्म चैप्टर का ये टॉपिक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का। टॉटोमर में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहां पर जाता है और ये हाइड्रोजन यहां पर आता है, तो ये CH3 हो जाएगा, CO हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। अगर आप में से किसी को टॉटोमेरिज्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये टॉटोमर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल करता है फॉर कन्वर्जन। आप इसी में देख सकते हैं, आप अल्काइन तक तो आ गए, आपने एडिशन भी करा दिया, बट अगर आपको टॉटोमर नहीं पता तो आप यहीं पे रुक जाएंगे, आपकी जो कन्वर्जन होगी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए टॉटोमर का आना इंपॉर्टेंट होता है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो अगर किसी को टॉटोमेरिज्म में कोई प्रॉब्लम है तो बताए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है हमारा, नेक्स्ट है ब्रोमोमीथेन। अच्छा ये तो हो गया, हमें क्या ब्यूट वन इन टू ब्यूट टू इन करना है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को चेंज करना है। मैं क्या था, ब्यूट वन इन था और हमें इसको करना है ब्यूट टू इन, हमें ये बेसिकली बनाना है हेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब बात ये आती है कि इसमें ये जो डाइपोल मोमेंट का है वो ऐसा वेरिएशन क्यों है, तो आप देखें कि ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाली कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब इसमें क्या परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है, अराउंड 33%, और इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना है, 25%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बोकैटायन। और हमें पता है कि जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, और इन केस ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी बहुत ज्यादा है इस बॉन्ड की।
है। तो अगर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो बॉन्ड सेपरेशन होना है फ्रॉम फ्रॉम कार्बन कार्बन टू टू क्लोरीन, जो बॉन्ड का CH बॉन्ड का जो है जो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड या स्ट्रेंथ फिर है, हम या फिर ये हम कह ये कह लें कि लें बॉन्ड बॉन्ड सेपरेशन सेपरेशन जो जो है है इन इन दिस दिस केस केस बहुत बहुत कम कम होगा, होगा, क्योंकि क्योंकि इनकी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफरेंस काफी काफी कम कम हो हो गई। गई। इसकी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफरेंस इसके इसके कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली कम कम हुआ, हुआ, लेस लेस होगा, होगा, और और इसका इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिफरेंस क्या क्या होगा? होगा? मोर मोर होगा। होगा। अगर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिफरेंस ज्यादा ज्यादा है है तो तो जो जो सीएल सीएल सीसीएल सीसीएल बॉन्ड बॉन्ड है, है, इन क्लोरो क्लोरो बेंजीन बेंजीन जो जो है, है, वो वो लेस लेस पोलर पोलर होगा। होगा। और और इन इन केस केस ऑफ ऑफ जो जो साइक्लोहेक्साइक्लोराइड साइक्लोहेक्साइक्लोराइड है, है, वहां वहां पर पर जो जो होगा होगा वो वो मोर मोर पोलर पोलर होगा, होगा, ये ये लेस लेस पोलर पोलर होगा होगा, और और ये ये मोर मोर पोलर पोलर होगा। होगा। ठीक ठीक है, है, इसीलिए इसीलिए जो जो म्यू म्यू ऑफ ऑफ जो जो डाइपोल डाइपोल मोमेंट मोमेंट ऑफ ऑफ क्लोरो क्लोरो बेंजीन बेंजीन है, है, जिसे जिसे हम हम म्यूऑन म्यूऑन नाम नाम दिए दिए थे, थे, वो वो लेस लेस देन देन होता होता है है म्यू म्यू टू टू के। के, क्योंकि क्योंकि यहां यहां पर पर जो जो है है एसपी एसपी टू टू है, है, इसकी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी एस पी सीएसपी थ्री थ्री हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बन से से ज्यादा ज्यादा होती होती है। है, तो तो इनके इनके बीच बीच का का जो जो हुआ हुआ है, है, जो जो बॉन्ड बॉन्ड है, है, वो वो क्या क्या होगा? होगा? लेस लेस पोलर पोलर होगा, होगा, और और इस इस केस केस में में मोर मोर पोलर पोलर होगा। होगा। ठीक ठीक है, है, इसीलिए इसीलिए जो जो डाइपोल डाइपोल मोमेंट मोमेंट होती होती है है साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्लोराइड की की ज्यादा ज्यादा होती होती है है एज एज कंपेयर कंपेयर टू टू क्लोरो क्लोरो बेंजीन। बेंजीन। बात बात समझ समझ में में आई? आई? अगर अगर आई आई तो तो चलिए चलिए फिर फिर अपने अपने प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन पे पे चलते चलते हैं। हैं। ये ये थी थी माय माय एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन व्हाई व्हाई द द डाइपोल डाइपोल मोमेंट मोमेंट ऑफ ऑफ क्लोरो क्लोरो बेंजीन बेंजीन इज इज लोअर लोअर देन देन दैट दैट ऑफ ऑफ साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक ठीक है, है, अब अब सेकेंड सेकेंड क्या क्या है? है? सेकेंड सेकेंड है है हमारा हमारा अल्काइल अल्काइल हैलाइड्स हैलाइड्स थ्रू थ्रू पोलर पोलर आर आर इनमिसिबल इनमिसिबल विथ विथ वाटर। वाटर। ठीक ठीक है, है, आइए आइए देखते देखते हैं हैं इसको इसको भी। भी। अब अब हमें हमें क्या क्या करना करना है है इसमें? इसमें जो वाई वाई सी सी एक्स एक्स जो जो अल्काइल अल्काइल हैलाइड्स हैलाइड्स है, है, मान मान लीजिए लीजिए हम हम जनरल जनरल फॉर्मूला फॉर्मूला लेते लेते हैं, हैं, जनरल जनरल फॉर्मूला फॉर्मूला हम हम आर आर एक्स एक्स लेते लेते हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, आप जानते हैं कि आर एक्स जो है इसमें पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड होती है वो बहुत ज्यादा पोलर होती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में आपको ये बताया था। ठीक है, और अगर एक्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन हो तो ये जो पोलैरिटी है और भी ज्यादा हो जाती है, ये और मोर पोलर हो जाता है। एंड सिंस ये मोर पोलर है तो ये जो इंटरेक्शन होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बट इन केस ऑफ एच टू ओ हमें पता है कि एच टू ओ में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने अच्छे से पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। इसमें जो होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच टू में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है जो नई बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होती है, तो ये रिएक्शन क्यों हो? क्योंकि जो लेस स्टेबल से सॉरी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कोई कंपाउंड जाना नहीं चाहेगा, इसीलिए जो होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स आर एक्स इन वाटर नहीं होती है, या फिर नेग्लेजिबल कर लीजिए, होता ही नहीं, या फिर नॉट पॉसिबल भी आप लिख लीजिए, आप जो भी लिख लें।
ठीक है, अगर आप इसका एक्चुअल रीजन लिखना चाहें तो मैं आपको लिख देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा। सीन्स अल्काइल हैलाइड्स आर मोर पोलर, जो होती है वो पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, देयर फोर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर टुगेदर बाई डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, जो एक दूसरे को बांध के रखता है इनको, वो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। वेयर एज इन केस ऑफ H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सीन्स द न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन वाटर एंड अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन already exist between alkyl halide या फिर आप RX RX लिख लें, ज्यादा आसानी हो। between RX and RX, जो इन दोनों के बीच में RX RX होता है वो इससे भी ज्यादा मजबूत होता है, जो इनके बीच में जो नया फॉर्मेशन होगा उससे, ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से वीकर होता है। एंड सिमिलरली इन वाटर मॉलिक्यूल्स therefore alkyl halides are immiscible, आप immiscible लिख ले, insoluble लिख ले, in water, this is the whole reason। आपको समझाने को मैं समझा दिया, जो नया बॉन्ड बनता है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से भी वीकर होता है एंड एच बॉन्डिंग से तो वीकर होता ही होता है। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल अपने जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उसको छोड़कर वीक अट्रैक्शन को क्यों गेन करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, इसीलिए वो जो है इमिसिबल होता है इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, अब आइए आते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस, क्वेश्चन मार्क। हमें ये बताना है कि एनहाइड्रस कंडीशंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है,
मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट बताया था तो ही आपको बताया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट काफी हाईली रिएक्टिव होता है और इसकी बहुत सारी यूजेस होती हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे रिएक्शंस मैंने आपको बताया भी था। तो और ये वाटर वगैरह सभी मतलब हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि CH3- MgBr हो अगर तो ये वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है। वाटर मतलब H+ and OH-, H+ आप इसको ऐड कर दें तो आपका CH4 मिल जाता है, मीथेन। ठीक है ना, तो सिंस ये मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर लेता है तो आप इस लिख सकते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है और मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर लेता है, इसीलिए इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो एनहाइड्रस कंडीशन में कराई जाती है ताकि इन दैट केस जो हो जो आपके पॉसिबल मॉइस्चर्स हैं वो ना हो और उनके साथ वो रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो आप इसको वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं इसको भी लिखवा देता हूं आपको इन योर लैंग्वेज तो आप नोट डाउन करें। ये कहां से आ गया? हाँ ये, तो लिखिए सीन्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव दे रिएक्ट्स विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द अपैरेटस और द स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया थी कि RMgX जो है वो वाटर से भी रिएक्शन करता है और CH4 रिलीज करता है। अगर हम यहाँ पर अगर CH3MgX लेते तो यहाँ पर हमारा CH4 बनता, बट हमने जनरल फॉर्म लिया तो हम यहाँ पर RH लिखेंगे प्लस जो है MgOH and X बनता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ग्रिगनार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। ठीक है, तो ये थी हमारी रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट कि वाई वी प्रिपेयर इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स इन एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, फर्दर अब अपने पिछले, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं और वो क्या है 10.13 गिव द यूजेस ऑफ फ्रियॉन 1,2-DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोफॉर्म। इसका यूजेस ऑफ फ्रियोन 1,2-DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोफॉर्म, इसकी जो आप आंसर जो है यहां से आप बड़े ही आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, यहां पर है क्या हाइड्रोफॉर्म का है। ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोफॉर्म ही बताया था
ये फ्रियॉन्स है यहाँ पर और यहाँ पर डीडीटी है, तो आप इसको जो है अपने से कर ले क्योंकि एक्सप्लेन करना है और मैं आपको इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसमें सिर्फ यूजेस ही लिखने हैं, जबकि मैंने तो आपको स्ट्रक्चर वगैरह भी बताया था कि फ्रियॉन 1-2 कैसे बनाना है। फ्रियॉन 1-2 कैसे होगा, 1 है मतलब एक कार्बन होगा और 2 है मतलब 2 फ्लोरीन होगा और बाकी के 2 बचे वो क्लोरीन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप आराम से अपने से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा, इसको थोड़ा नीचे कर दो, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो हम रिएक्शंस पीछे पढ़े हैं ये उन्हीं का बेसिकली है, 7-8 रिएक्शन है, इनको हम देख लेते हैं क्या है। CH3CH2Cl एंड सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट। आप बताएं इसकी नेम रिएक्शन ये है, कौन सी रिएक्शन है, ये स्वार्थ है या फिंकलस्टन है? ये फिंकलस्टन है क्योंकि इस पे क्या है, आयोडीन इसमें एडिशन हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज। तो आप इसका प्रोडक्ट लिख लें CH3CH2CH2 और यहाँ पर आई लग जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड क्या है, CH3CBr इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, मतलब ये हो जाएगा CH3 और इसी पर Br है, हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बेस से, ठीक है। तो ये बेस है मतलब OH- हमारा सॉल्यूशन में होगा, तो ये लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकलेगा और ये OH यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा SN1। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो होगा CH3 एंड OH, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है CH3CHBr फिर CH2CH3 और इसकी हम रिएक्शन क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है सॉल्यूशन ऑफ वाटर में, तो Na+ होगा और OH- होगा, ठीक है। तो OH- हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल जाकर CH जो है OH जो है वो Br को जाकर सब्स्टिट्यूट कर देगा और प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, CH3CH2Br एंड पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, CH3, एक मिनट रुक जाए थोड़ा, ये CH3Br पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट है, आई एम सॉरी अभी जो पिछला मैंने जो क्वेश्चन कराया मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ पर हीट है, मुझे लगा वाटर मॉलिक्यूल है एज इट इज NOH की तरह, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन करा दिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ना होकर एलिमिनेशन होगा क्योंकि यहाँ पर हीट है, हीट जब हम करेंगे तो उसको क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा फर्दर,
यहाँ पर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ठीक है, और फिर इसके साथ क्या है हीट है, और इथेनॉल भी है C2H5OH के साथ क्या है हीट है ठीक है। तो अगर हीट आपको दिखा मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन होगा ठीक है। तो आप इसमें से किसी से भी एक हाइड्रोजन ले लें, तो CH3C मान लीजिए मैं ऊपर वाले से ले लिया तो डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पोटेशियम ब्रोमाइड बनेंगे प्लस H2O निकलेगा ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, CH3CH2Br विथ KCN, CH3CH2Br विथ KCN पोटेशियम साइनाइड और एक्वस इथेनॉल हमें गिवेन है। ठीक है, तो पोटेशियम साइनाइड है तो K प्लस है और CN माइनस है, मतलब CN माइनस हमारा क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल Br को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो होगा साइनाइड CN, यहाँ पर क्या होगा CN आके लग जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड है C6H5O-Na+ हम इसको लिखते हैं, सोडियम फिनोक्साइड इसको हम बोलते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बेंजीन बना लें और यहाँ पर O माइनस Na+ लगा लें ठीक। प्लस इस किसके रिएक्शन कराने हैं, C2H5Cl। तो ये जो O माइनस है हमारा, ये पूरी कंपाउंड हमारी क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी, और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी तो ये इस पर अटैक करेगा और Cl हमारा बाहर हो जाएगा, और ये जो फिनोक्साइड है यहाँ पर क्या होगा आके ऐड हो जाएगा। तो C2H5O और O से हमारा क्या होगा, बेंजीन लगा होगा, ये होगा हमारा प्रोडक्ट ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दें, जो नेक्स्ट है हमारा वो है CH3CH2CH2OH विथ थायोनिल क्लोराइड, इसको मैंने आपको बताया था SNI रिएक्शन, CH3CH2 विद मैकेनिज्म मैंने आपको इसको बताया था, OH प्लस SOCl2, इसे हम क्या बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ये OH को Cl से रिप्लेस कर देता है, ये होगा हमारा प्रोडक्ट इसका ठीक है। तो इसको भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, विद मैकेनिज्म मैं आपको इसको समझा चुका और मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया कि क्या बनेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा ये हो गया, ये CH3CH2CH CHBr इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, HBr के केस में परोक्साइड इफेक्टिव होता है, और जो एडिशन मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए थी वो परोक्साइड के वजह से फ्री रेडिकल के थ्रू इसकी मैकेनिज्म होती है, और जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, एंड एंटी मार्कोनिकोफ के एडिशन के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन जहां पर कम होंगे वहां पर हाइड्रोजन जाकर लगेगा इस HBr का, एंड जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर ब्रोमीन लग जाएगा, ये होगा हमारा क्या प्रोडक्ट। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है,
जरूरत नहीं होगा बट फिर भी बता देता हूँ, सभी डिस्कस कर रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ें। ये क्या होगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एंड सी एच थ्री। एच बी आर से हमें रिएक्शन करानी है और इन दिस केस परोक्साइड नहीं है, ठीक है। अगर परोक्साइड नहीं है तो हमारा एडिशन जो होगा किस बेसिस पर होगा, हमारा एडिशन जो होगा वो मार्कोनिकोफ एडिशन होगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहीं पर हाइड्रोजन जाकर लगेगा। अब ये हाइड्रोजन ज्यादा का मतलब ये नहीं कि इस पर आकर लगा दें, नहीं नहीं यहां पर नहीं, इस डबल बॉन्ड के कार्बन में दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन में जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पर हमें हाइड्रोजन लगाना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक। तो यहां पर सी एच लगा, सी एच पर हमने हाइड्रोजन लगाया और फर्दर ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री और यहां पर हमने ब्रोमीन लगा दिया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। ए एडिशन जो होता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहलाता है, जो भी एडिशन रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल उसको हम मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोलते हैं, एंड जो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होते हैं उन्हें हम एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोलते हैं। ये थी हमारी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है प्लस केसीएन से इथेनॉल H2O प्रेजेंस में हमने एन ब्यूटाइल साइनाइड बनाया है और इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमने विथ मैकेनिज्म सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, तो इसको मैंने आपको जब मैं आपको एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शन जब बताया था तो उसमें आपको पढ़ाया था, वहां पर शायद मैंने NaCN यूज किया था और यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड से, और हमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये भी गिवन है, हमें जो है ब्रोमीन जो है साइनाइड से सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं, जब ये जो हमारा पोटेशियम साइनाइड गिवन है ये किस में ब्रेक होगा, के प्लस प्लस सी एन माइनस में, ठीक है। अब ये जो हमारा आर एक्स गिवन है जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ब्रोमीन, इस पर जो सी एन माइनस है वो क्या करेगा, अटैक करेगा कुछ इस तरह से, जब ये अटैक करेगा तो यहां से जो ब्रोमीन है क्या करेगा, निकल जाएगा और एडिशन किसकी होगी, सी एन की। तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट एन ब्यूटाइल सॉरी या एन ब्यूटाइल साइनाइड, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। हो गया, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का वो है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली SN2 के अकॉर्डिंग हमें इनकी रेट का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इनका रेट का कंपैरिजन कैसे होगा। फर्स्ट जो है इसको इरेज कर देते हैं, जो फर्स्ट है वो है 2-bromo-2-methyl-butane स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, ब्यूटेन 2 पर ही ब्रोमो है 2 पर ही मिथाइल है, ये हो गया 2-bromo-2-methyl-butane, ठीक। नेक्स्ट हमारा 1-bromo-pentane, ये हो गया हम 1-bromo-pentane, एंड जो लास्ट है वो 2-bromo-pentane, ठीक है। ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई। अब हमें क्या करना है, SN2 के अकॉर्डिंग इसकी रेट का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो डिफरेंट है, लिविंग ग्रुप हमारा सेम है, और हमें पता है कि SN2 के केस में जो रिएक्टिविटी होती है
सबसे ज्यादा होती है CH3X की, या फिर हम इसको इन जनरल RX बोल सकते हैं। सबसे पहले होती है CH3X की, फिर होती है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर होती है 3 डिग्री। ठीक है, इस बात को अगर आप अच्छे से जानते हैं, जब मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, तो ये है हमारा क्या 3 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री और ये है हमारा 2 डिग्री। बताइए रेट किसका ज्यादा होगा, 1 डिग्री का ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं 1, 2 एंड 3, तो रेट सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकेंड का, फिर थर्ड का एंड लीस्ट होगा 1 का। ठीक है, ये होगा हमारा SN2 का रेट का कंपैरिजन। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है 1-bromo-3-methyl-butane, इसको भी बना लेते हैं, ब्यूटेन है हाँ, तो ये क्या है 1-bromo, मतलब इसी पर ब्रोमीन है, 3 पर मिथाइल है, मतलब 1, 2, 3 यहाँ पर है हमारा मिथाइल CH3 और ब्यूटेन। ठीक है, फिर हमारा 2-bromo-2-methyl-butane, जो लास्ट है आई थिंक, हाँ ये लास्ट है वो 2-bromo-3-methyl-butane, 2 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका हमें रेट का कंपैरिजन करना है, हम इसको नेमिंग दे देते हैं 1, 2 एंड 3। ये कौन सी हैलाइड है, ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री और ये है 2 डिग्री। रेट किसका ज्यादा होगा, 1 डिग्री का फर्स्ट, फिर होगा थर्ड एंड देन होगा सेकेंड। ठीक है, तो ये होगी हमारी रेट की ऑर्डर, किसकी रेट ज्यादा होगी। अब नंबरिंग के हिसाब से अपना देख लीजिए कौन सा मॉलिक्यूल किसका होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट का कंपैरिजन। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं कि क्या इसी का कोई पार्ट है, अदरवाइज हम यहीं पर इस वीडियो को ऑफ करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वह 1-bromo-butane, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। 1-bromo-butane ये होगा, फिर 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, इसका मतलब इस बार प्रोपेन है, प्रोपेन है। ठीक, यहाँ पे 1-bromo है, ठीक है, हमने 1-bromo ले लिया। फिर 2,2-dimethyl, मतलब यहाँ पर 2,2-dimethyl है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है 1-bromo-2-methyl-butane, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन एंड जो लास्ट है वो 1-bromo-3-methyl-butane। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, तो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस बार जितने भी हैलाइड हैं सभी 1 डिग्री हैं। अब देख लीजिए, इससे ये हैलाइड ऑन है, ऐड है, और ये सिर्फ एक ही कार्बन से ऐड है, ये इसका भी यही कंडीशन है, ये सभी 1 डिग्री हैं और हमें इनका रेट का कंपैरिजन करना है। हमें पता है कि जो रेट ऑफ SN2 होती है इस बात पर डिपेंड करती है कि क्राउडिंग कितनी है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, जितना भीड़ भाव जितना है, जितना भीड़ ज़्यादा होगा उतने ही रेट कम होगी। सबसे कम स्टेरिक क्राउडिंग इस केस में है, अगर हम नेमिंग कर दें 1, 2, 3 एंड 4, सबसे कम होगी इस केस में। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो इसी का रेट कितना होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट तो सबसे पहले आया, अब सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ बचे। अगर हम सेकेंड की बात करें
ठीक बगल वाले कार्बन पर तीन तीन मिथाइल ग्रुप से, इतनी बल्किनेस है इसकी। इसका तो सबसे कम होगा तब, तो हमें सबसे ज्यादा वाला मिल गया, सबसे कम वाला मिल गया। अब इन दोनों कंपेयर करते हैं। इन दिस केस जो है ये CH3 ग्रुप जो है इस केस में थोड़ा दूर है। यूं समझ लीजिए कि जो भीड़ तो है बट आपसे जो है वो थोड़ी दूर पर है इस केस में, और इसमें जो है पास में है। तो सबसे ज्यादा जो होगा रेड का इफेक्ट जो होगा इसका ज्यादा होगा, मतलब रेड किसकी ज्यादा होगी, इसकी स्टेरिक हेंड्रेंस इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी एज कंपेयर टू दिस। तो इसकी रेड ज्यादा होगी थर्ड से, तो जो सेकेंड नंबर पे आएगा फोर्थ आएगा, और थर्ड नंबर पे हमारा थर्ड आएगा। ठीक है, ये होगी हमारी रेड की ऑर्डर। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूँ, बेसिकली वहां पर हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो। तो रेट ऑफ फर्स्ट जिसको मैंने माना था, भूल गया किसको माना था, चलिए आपको तो नहीं भूले होंगे, आपको तो स्क्रीन पर मिल रहा होगा। खैर मैं इसको देख लेता हूँ। वन ब्रोमो ब्यूटेन सबसे पहले होगा, वन ब्रोमो ब्यूटेन, इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी। फिर होगी किसकी, वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, उसके बाद होगा वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, एंड जो लीस्ट होगा वो होगा वन ब्रोमो टू कमा टू डायमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन आप देख लीजिएगा ऑर्डर एग्जैक्टली आपका सेम आया है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब बचा हमारा, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे हैं, और इनको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और तब हमारा टोटली 100% ये चैप्टर हमारी तरफ से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट थैंक यू सो मच।